हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैकर रथ से एक प्रोग्राम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्जेस, जो एल्गोरिथम सेक्शन में होंगे। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इन ए पैरेलल यूनिवर्स देयर आर नॉट जस्ट टू चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट देयर आर 26 चार्जेस रिप्रेजेंटेड बाय लोअर इंग्लिश अल्फाबेट्स। कि एक पैरेलल यूनिवर्स में, एक दूसरे वर्ल्ड में, वहां पर सिर्फ दो चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, बल्कि वहां पर 26 चार्जेस हैं। और उनको वहां रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? लोअर केस अल्फाबेट से, फ्रॉम ए टू जेड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि चार्जेस हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ किलिंग ईच अदर, और इन अदर वर्ड्स न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इफ दे आर ऑफ द सेम चार्ज एंड नेक्स्ट टू ईच अदर। इन चार्जेस की ये प्रॉपर्टी, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अगर वो सेम चार्ज के हुए और एडजेसेंट हुए। करना क्या है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस वेयर ईच एस आई रिप्रेजेंट अ चार्ज। एक स्ट्रिंग दी जाएगी और उस स्ट्रिंग में जो एलिमेंट्स होंगे वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, और आई की जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर के लेंथ माइनस वन तक होगी, यानी आई इंडेक्स है। यू नीड टू आउटपुट साइज ऑफ फाइनल स्ट्रिंग फॉलोड बाई स्ट्रिंग आफ्टर विच नो न्यूट्रलाइजिंग इज पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये न्यूट्रलाइज होने के बाद जो स्ट्रिंग रिमेनिंग रह जाएगा उसको प्रिंट करना है और उसकी लेंथ प्रिंट करानी है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने दिया है सैम्पल इनपुट में लेंथ 12 दी है और एक स्ट्रिंग दी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ 12 है, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा है? 2, और उस वो स्ट्रिंग ए डी प्रिंट हो रहा है। कैसे ये ए डी आया? इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर जैसे ये दो ए एक साथ हैं, स्टार्ट हमने यहाँ से किया जीरो इंडेक्स से, तो ये दो एक साथ हैं तो ये क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, वो हट जाएंगे। नेक्स्ट, अब ए और सी है तो ये डिफरेंट है, फिर सी और सी है तो ये न्यूट्रलाइज होंगे, ये हट गए। फिर उसके बाद क्या है, सी और बी है तो ये डिफरेंट है, फिर बी एंड बी है तो ये न्यूट्रलाइज होगा, ये हट गए। फिर उसके बाद सी एंड सी है, ये भी न्यूट्रलाइज होगा, ये हट गए। फिर उसके बाद सी डी है तो ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, ये रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो आया यहाँ पर दो सी फिर एक साथ आ गए, ये भी न्यूट्रलाइज होकर हट जाएंगे, तो बचेगा क्या रिमेनिंग, ए डी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया सकता है। एक तो हम शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, उसमें हर एक कैरेक्टर को लेकर के हम चेक करें कि इसके एडजेसेंट क्या है, और सबको क्या करें, हम लास्ट से लेकर के स्टार्टिंग तरफ हम शिफ्ट करें। तो अगर हम शिफ्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो इसमें क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ये या तो एन स्क्वायर होगा या एन लॉग एन होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इस स्ट्रिंग के इक्वल लेंथ का दूसरा स्ट्रिंग ले लें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये एक सिंगल लूप से हो जाएगा, इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन होगी, बिग ओ ऑफ एन। तो मैं यही अप्रोच जो है इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ जो है ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर ये गिवन जो स्ट्रिंग है वो ये दिया हुआ है, ये हमने बना लिया है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है 0, 1, 2 ऐसे करके ये चार्जेस के अंदर रखे हुए, जैसे स्ट्रिंग को हम एस कह रहे हैं, ठीक है। ये नल है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले तो हम लेंथ मांगेंगे, क्या लेंथ है, तो लेंथ प्लस वन का हम ये एरे जो है क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे, और उसमें इन कैरेक्टर्स को जो है हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक। दूसरा ये हमने एक अलग से एक एरे ले लिया है जिसको हम कहेंगे ये रिजल्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा वो इसमें स्टोर होगा, और इसी की हम लेंथ निकाल करके और इसको हम प्रिंट करा देंगे, तो हमारा जो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जीरोथ इंडेक्स पे देखेंगे। जीरोथ इंडेक्स पे देखा हमने, ये आई है और उसके बगल वाला आई प्लस वन, तो इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करो, ये भी ए ये भी ए, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है इसको हम जे को यहाँ से इनिशियलाइज कर लेते हैं जीरो से, इस स्ट्रिंग, तो ये दोनों अगर आपने देखा तो ये तो अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम नहीं रख सकते रिजल्टेंट में, इसको चेक करेंगे उसके बाद वाले को, यानी आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो जब आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो
आई यहाँ पर आ गया और आई प्लस वन जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी ये जो है। अब इन दोनों को हमने कंपेयर की तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जब डिफरेंट है तो ये आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अब जे को हम आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे ले जाएंगे और आई को भी हम क्या करेंगे, आगे इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी ये आई यहाँ से हट के आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी ये वाला जो एलिमेंट है ये जो है हमने रिजल्टेंट स्ट्रिंग में रख दिया, ओके। अब आई एंड आई प्लस वन इक्वल्स, इन दोनों को हम कंपेयर करें, ये दोनों सेम, तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। अच्छा, जब यहाँ पर सेम आ रहे थे तो उस केस में हमने आई को टू से इंक्रीमेंट किया, तब आई यहाँ पर आया था, ओके। तो अब यहाँ पर ये दोनों फिर सेम है तो फिर हम आई को क्या करेंगे, टू से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जब भी हम इसको यहाँ कॉपी नहीं करेंगे तो जे वही रहेगा जहाँ पर है, आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आई जो है वो यहाँ पर आ गया और आई प्लस वन जो है वो यहाँ पर है। अब इनको और इनको कंपेयर करो, ठीक है। तो जब हमने इनको कंपेयर किया तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इस सी को हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है। यानी इस जगह पे सी आएगा, कौन सा सी, ये वाला, जो कॉपी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर जे को आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे ले जाएंगे, यहाँ से हटे आई क्या होगा, ये भी इंक्रीमेंट होगा, फिर हम आई प्लस वन यहाँ पर, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर ये दोनों सेम, तो जब सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, आई को टू से इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी आई यहाँ पर आ जाएगा और आई प्लस वन यहाँ पर, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये फिर दोनों सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे तो आई यहाँ पर आएगा और आई प्लस वन ये हो जाएगा। अब हमने फिर इसको देखा और इनको कंपेयर किया तो ये सी और डी दोनों डिफरेंट है। अब सी को हम यहाँ कॉपी करेंगे, लेकिन जब हम इस सी को यहाँ पर कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये तो क्या है, ये तो सेम, यानी इस स्ट्रिंग में जहाँ पर हम इसको रख रहे हैं वहाँ पर इसके प्रीवियस एलिमेंट से इसको कंपेयर करो, पहले भी हमने किया है, ठीक है, वो मैंने बताया नहीं, बट यहाँ पर भी हमको कंपेयर करना पड़ेगा, वहाँ पर करेंगे ये और सी में, तो ये तो डिफरेंट था इसलिए वहाँ स्टोर होगी, लेकिन यहाँ पर जब दोनों को करेंगे तो ये क्या होगा, दोनों सेम है, तो इस केस में ये यहाँ स्टोर नहीं होगा, और ये जो था यहाँ पर ये भी यहाँ से क्या होगा, ये हटेगा नहीं बल्कि जे को हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, तो इस केस में जे वापस यहाँ आ गया, तो अभी भी सी है वहाँ पर लेकिन जे यहाँ आ चुका है, यानी अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इस जगह पे आएगा तो सी अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर आई यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई यहाँ आ गया और आई प्लस वन जो है ये, तो अब ये दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, ये डी है और ये नल है, तो अब जो डिफरेंट है तो डी कहाँ कॉपी होगा, जिसको जे पॉइंट कर रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। और ये हमने इस स्ट्रिंग को सिर्फ प्रोसेस किया था, आई को तभी तक बढ़ाएंगे जब तक कि वो लेस देन लेंथ है, तो इसके आगे जब बढ़ेगा तो नल पे आई लेंथ पे चला गया, तो अब यहीं पर क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये लूप यहीं पर रुक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इसको रखा था डी को, तो जे हमने आगे बढ़ाया होगा, तो लूप से जब बाहर निकलेंगे तो जे इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करें, लूप के बाहर निकल के इसमें जो है जीरो पुट कर दें, जीरो करें, नल पुट कर, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये जो स्ट्रिंग है वो क्रिएट होगी। अब इसकी लेंथ निकाल लेंगे और इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे, तो इस
प्रोग्राम में एक सिंगल लूप के थ्रू ये काम हो गया, ठीक है। बस इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ गई, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये कम है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने हैकर अर्थ पे करके देखा भी, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये इसकी सब एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो इसको हम लोग कोड करके देख लेते, इसको कोड करके देखते हैं कैसे होगा। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होगी, इसलिए हम यहाँ पर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, और इसके अंदर जो है साइन इंट लेंथ लेंगे, जैसे में हम इनपुट लेंगे उसकी लेंथ कितनी है, उस इनपुट को लेने के लिए हम स्कैन ऑफ यूज करेंगे, परसेंट यू एंड एड्रेस ऑफ लेंथ। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे कैर एस, इसकी लेंथ हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस वन यम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको स्कैनर से गेट कर लेते हैं, परसेंट एस, ये जो है स्कैनर से हमने स्ट्रिंग ले ली। अब इसके बाद हम क्या करें, कैर जो रिजल्टेंट हमें बनाना है इसकी भी लेंथ क्या होगी, प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद हमने वो जो इंडेक्स लिया था आई एन जे, तो आई इज इक्वल टू जीरो एंड जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लूप लगाते हैं वाई आई लेंथ, ये लूप लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम चेक करेंगे कि इफ एस ऑफ आई, अगर ये एस ऑफ आई प्लस वन के इक्विवेलेंट है, इक्वल है, सेम है, दोनों कैरेक्टर सेम, तो उस केस में हमको क्या करना था कि उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो आई को हम क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे कितने से, टू से, जमने कर लिए। अगर ये ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो एस आई है ऐसा तो नहीं, वो जो रिजल्टेंट में हमने पहले रख रखा है जे माइनस वन पे, जे तो अभी जिसको भी पॉइंट कर रहा था जे माइनस वन पे वो सेम है, इसका मतलब हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। इफ एस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू रिजल्टेंट जे माइनस वन, तो उस केस में रिजल्टेंट यानी प्रीवियस जो वहाँ पहले से हमने रख रखा है उससे उसके इक्विवेलेंट नहीं है, ये सेम नहीं है, तो इसको वहाँ रखा जा सकता है। तो रिजल्टेंट पे जो है हम जे पे जो है हम किसको रख सकते हैं, जो हमने आई एथ इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग में है एस में, अब क्या करना पड़ेगा, जे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ओके। और अगर ऐसा नहीं है यानी प्रीवियस वाला एलिमेंट जो है सेम है, तो उस केस में जे को क्या करना पड़ रहा था, डिक्रीमेंट करना पड़ रहा था, तो हमने वो कर लिया, ओके। और उसके बाद जो फिर हमने ये वाइल खत्म किया, और वाइल से बाहर आकर के जब वाइल से बाहर आ रहे थे यहाँ पर जो है हमने
जब सेम नहीं है तो यहाँ इसको रखा और आई को भी इंक्रीमेंट कर लीजिए। जे इंक्रीमेंट होगा एंड आई भी इंक्रीमेंट होगा, और आई तो दोनों केस में इंक्रीमेंट होगा, चाहे जे माइनस माइनस हो चाहे जे प्लस प्लस। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको बाहर कर लेते हैं एक ही बार आई प्लस प्लस, ओके। और इस लूप से बाहर निकल के हम क्या करें, अब जो आई की जो इंडेक्स है वहाँ पर जो हम क्या करें, आई निकल गई जे पे, रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट ऑफ जे यहाँ पर हम क्या करें, नल को पुट कर दें, नल पुट कर दी। अब इसके बाद हम क्या करें, स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करा दें और स्ट्रिंग को प्रिंट करा दें। तो प्रिंट परसेंटी न्यू लाइन और यहाँ पर इसकी लेंथ प्रिंट करानी है रिजल्टेंट की, तो हमने क्या किया रिजल्टेंट की लेंथ प्रिंट करा दी और रिजल्टेंट को प्रिंट करा दो, प्रिंट परसेंट एस न्यू लाइन रिजल्टेंट। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो अगर ये हमने सही लिखा है तो ये कंपाइल भी होना चाहिए, रन भी होना चाहिए। तो करके देखते हैं, थैंक यू।